चलो चिंटू ये बताओ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों डूब रहे हो, तुम किसको बचाओगे? मैडम जी, दोनों डूब जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है। चिंटू बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे बिना बताए क्या कर रहे थे? दोनों लोगों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों के जवाब भी अजीब अजीब होते हैं। पिंकी बेटा, तुम बताओ बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में क्या फर्क है? मैडम जी, कंडक्टर सोया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोगों के जवाब भी ना अजीब अजीब होते हैं। भैया तुम बताओ, बिल्ली पूंछ क्यों हिलाती है? मैडम जी, क्योंकि पूंछ बिल्ली की है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मोनू ये बताओ, इतिहास के पुरुषों में सबसे ज्यादा तुम्हें किसमें नफरत है? मैडम जी, मुझे सबसे ज्यादा नफरत राजा मोहन राय से है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो उसके बारे में? क्योंकि मैडम जी, उन्होंने बाल विभाग बंद करवाया था, वरना हम बीवी बच्चे वाले होते। तुम्हें बड़ी जल्दी है शादी करने की, पहले कमाना शुरू करो, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे बिना कमाए? अच्छा पिंकी ये बताओ, तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? मैडम जी, मेरे घर में सबसे छोटे मेरे पापा हैं। पापा हैं? ये क्या बात हुई? हाँ मैडम जी, क्योंकि वो ना अभी भी मम्मी के साथ ही सोते हैं। तुम लोग क्यों दांत निकाल रहे हो? बंद करो सब लोग अपने दांत, जितना उसको समझ थी उतनी बोली वो। चलो चिंटू, न्यूटन का नियम बताओ। मैडम जी, मुझे पूरी लाइन तो याद नहीं, बस अंतिम लाइन ही याद है। चलो अंतिम लाइन ही सुना दो। और इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। ये क्या बात हुई जी, इतना ही याद है तुमको बस? हाँ मैडम, बोलो तो हूँ, जितना याद था उतना बता देता। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया करो, जो चीज़ पूछो उसे जड़ से जवाब दिया करो और लर्न किया करो सब लोग, ठीक है? पर यार तुम बताओ, दुनिया का सबसे पुराना जीव कौन सा है? मैडम जी, ज़ेब्रा। वो कैसे? वो ब्लैक एंड वाइट है मैडम जी। प्रिया तेरे जवाब भी अजीब अजीब हैं। प्रिया पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखा कर और साथ में लर्न भी किया कर, कल भी आपकी क्लास लूंगी सभी की, कल सारे ही लर्न करके आना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, उसका आपने फटाफट जवाब देना। मोनू चलो भारत की राजधानी बताओ। फटाफट मैडम जी। ये क्या जवाब हो तुम्हारा? मैडम आपने तो बोला है कि जो मैं पूछूंगी उसका आपने फटाफट जवाब देना। तुम लोग पागल तो नहीं हो? फटाफट का मतलब जल्दी जल्दी जवाब देना होता है, बेवकूफ लड़के। आज की क्लास यही समाप्त हो रही है, कल सब लोग पढ़ाई करके आएंगे, जो मैं पूछूंगी उसका ठीक से जवाब दीजिएगा, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।